गुलबर्गा शहर में मौजूद बारगाह हजरत सैयद शाह कुबुलुल्लाह हुसैनी ख्वाजा गंजबख्श जानशीन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 593वां उर्स शरीफ का आगाज होने जा रहा है। इस उर्स के मौके पर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की तफसीलात बयां कर सैयद यदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ निज़ाम बाबा साहेब ने आप तमाम को शिरकत की दावत दी है। यदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ निज़ाम बाबा साहेब ने कहा, गुलबर्गा शहर के शाहबाजार इलाके में मौजूद ख्वाजा बंदा नवाज के खानकाह शरीफ से 2 नवंबर को बाद नमाज असर जुलूस झेला रवाना होगा और बारगाह गंजबख्श में सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी साहब के दस्ते मुबारक से रस्म झेला की अदायगी अमल में आएगी। और ख्वाजा गंजबख्श की ये कदीम रिवायत है कि यहाँ एक मुस्लिम और एक हिंदू नौजवान के हाथों ये झेला बारगाह की गुम्बज पर चढ़ाया जाता है। यदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ निज़ाम बाबा ने कहा, झेले की रस्म के बाद महफिल समा होगी और फिर दूसरे दिन 3 नवंबर को जलसा फैजान औलिया का इनेकाद अमल में आएगा। इस जलसे में खास मेहमान मुकर्रर जनाब सैयद अमीनुल्लाह खौदरी साहब तशरीफ लाएंगे और इसके अलावा हैदराबाद से सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ पाशा साहब और गुलबर्गा शहर से मौलाना विकार अशरफी साहब भी इस महफिल में तकरीर और खिताब करेंगे। और यदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ निज़ाम बाबा साहेब ने कहा, हर साल ख्वाजा गंजबख्श के रोजे पर मुशायरे का प्रोग्राम हुआ करता था जिसको कुछ सालों से रोक दिया गया है, पर इस साल सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी साहब के हुक्म से दोबारा मुशायरे का प्रोग्राम शुरू किया गया है। 6 नवंबर को रोजा खुर्द की दिवड़ी में मुशायरे का प्रोग्राम होगा जिसमें तकरीबन 20 शायर तशरीफ लाएंगे और 7 नवंबर को संदल का प्रोग्राम होगा और 8 नवंबर को चिरागा और 9 नवंबर को जियारत होगी। इसके अलावा दीगर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल बताते हुए यदुल्लाह हुसैनी अलमारूफ निज़ाम बाबा साहेब ने आप तमाम को शिरकत की दावत दी है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नहमदून सल्ला रसूल करीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अब्दुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह कुबुलुल्लाह हुसैनी ख्वाजा गंजबख्श नबीर हकीकी व जानशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सदराज रहमतुल्लाह अलैह का 593वां उर्स शरीफ का आगाज़ होने वाला है। मैं आप तमाम को उसमें तशरीफ़ लाने की शिरकत करने की दावत देता हूँ। प्रोग्राम और लाए अमल इस तरह है कि 2 तारीख को हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सदराज रहमतुल्लाह अलैह की जो खानकाह शरीफ है शाह बाज़ार में, वहाँ से बाद नमाज असर कसीदे बुर्द शरीफ की महफिल के बाद जुलूस झेला मुबारक रवाना होगा और रात में दरगाह शरीफ तकरीबन 9:30 बजे पहुँचेगा, जहाँ पर हज़रत सज्जादा नशीन साहब हज़रत अबुल फ़तेह सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद महमूद हुसैनी साहब अपने दस्ते मुबारक से रस्म झेला अंजाम देंगे। बाद में जो कदीम रिवायत है कि एक हिंदू भाई और एक मुसलमान मिलकर उस झेले को ख्वाजा गंजबख्श की गुम्बद मुबारक पर नसब करते हैं, वो रस्म होगी, फिर महफिल समा होगा और अगले रोज़ 3 नवंबर यानी जुमे के रोज़ बाद नमाज ईशा जलसे फैज़ान औलिया का इनेकाद अमल में आएगा। फैज़ान औलिया के जलसे में इस बार जो मेहमान मुकर्रर हैं जनाब सैयद अमीनुल खादरी, जो सुनी दावत इस्लामी के निगरान हैं मालेगांव के, और जनाब सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी साहब उर्फ काशिफ पाशा साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाएंगे, और जनाब अब्दुल हकीम वखार अशरफी साहब आवाम नास से खिताब फरमाएंगे। और 6 तारीख को एक ख़ास प्रोग्राम, एक जो कदीम प्रोग्राम हमारे रोज़े से होता था, जो मुशायरे का प्रोग्राम हुआ था जो कई सालों से ख़त्म हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज़रत सज्जादा नशीन साहब की हुक्म पर उसको दोबारा एक मरतबा आगाज़ किया गया है। 6 तारीख को दिवड़ी सज्जादा नशीन साहब रोज़े खुर्द के पर मुशायरे का इनेकाद अमल में आएगा, जहाँ पर तकरीबन 20 शायर हजरात को मधु किया गया है कि वो अपने अंदाज के नात शरीफ और मनखबतें सुनाएंगे। तो एक मुशायरे का प्रोग्राम एक ज़माने बाद इस दिवड़ी में फिर से अमल में आएगा। और 7 तारीख की सुबह जो संदल की दिन होता है, उस दिन जलसे खिरातुन्नाद अंदरून गुम्बद शरीफ होगा, फिर शाम में बाद नमाज असर की नमाज खानकाह शरीफ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज पे अदा होगी, फिर बाद खानकाह शरीफ में महफिल समा होती है। ये एक अरसे दराज की रिवायत है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की खानकाह से हज़रत ख्वाजा गंजबख्श का संदल निकलता है, तो बाद नमाज असर महफिल समा के बाद संदल शरीफ निकलेगा और रात देर गए यहाँ पर दरगाह शरीफ पहुँचेगा और यहाँ पर महफिल समा उस वक्त चलती रहती है बाद नमाज ईशा से ही। अगले रोज़ सुबह बाद नमाज फजर
संदल माली की रस्म अदा होती है, उसके बाद बन समा होती है, दुआ सलामती होती है, फिर बाद में बाद नमाज ईशा, फिर से महफिल समा का इनेकाद होता है। अगले रोज़ 8 तारीख के बाद 9 तारीख के दिन सुबह महफिल खिदमत चरागा होगी सुबह 8:30 बजे, और शाम में बाद नमाज असर ख़त्म कुरान होगा, और खिदमत ज़ियारत के बाद द्योड़ी सज्जाद नशीन साहब पर महफिल खुल, जो खुल की रंग की कव्वाली होती है, वो प्रोग्राम के साथ उर्स शरीफ अख्तिताम अमल में आएगा। मैं आप तमामी हजरात को इन तमाम प्रोग्राम्स में शिरकत की दावत देता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा गंजबख्श बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह व हज़रत ख्वाजा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान जारी सारी रखे, और हमारी नेक तमन्नाओं को पुरादों को पूरा फरमाए। आमीन। शुक्रिया।